नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। जी हां, पिछले साल की तरह इस साल भी नर्मदा जिला प्रशासन और गुजरात प्रवासन निगम गांधीनगर के संयुक्त तत्वाधान में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग 15 देश के अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज और भारत के अलग अलग 8 राज्यों से 39 सहित कुल 89 पतंगबाजों ने इस महोत्सव में भाग लिया। केवड़िया कॉलोनी के नजदीक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है। सरदार सरोवर नर्मदा निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर तथा वन और पर्यावरण विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर राजीव गुप्ता की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। गुजरात नर्मदा से गौतम व्यास की एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय पतंगोत्सव की शुरुआत करवामां आवी छे। पतंगोत्सव की शुरुआत माननीय वडाप्रधान श्रीए 15-16 वर्ष पहला आंतरराष्ट्रीय पतंगोत्सव तरीके गुजरात में आ एक सुंदर ने सुखद परंपरा शुरू करी हती। अने ए परंपरा ने अनुलक्षीने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जे माननीय वडाप्रधानश्रीना नेतृत्व हेठ एमना गाइडेंस प्रमाणे एमना विजन प्रमाणे बनावामां आवेली छे। अने साथे एनी आजूबाजूना एरियानी अंदर पण घणा बधा टूरिस्ट अट्रेक्शन्स पण उभा करवामां आव्या छे। आ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी खाते एक आंतरराष्ट्रीय पतंगोत्सव की जो शुरुआत है ये देश विदेश में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी मैसेज लईने जशे। आजे अहीं लगभग 126 जेटला 16 जे देशों थी काइटिस्ट पतंग जे उड़ावे छे ये लोको आव्या छे। अने एनी अंदर विदेशी मित्रों बहु मोटी संख्या में है। लगभग 52 जेटला विदेशी काइटिस्ट आवेला छे। रशिया, स्वीडन, नेदरलैंड्स, फ्रांस ए बधा देशों थी ए लोको आवेला छे। अने आजे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी खाते स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ना सानिध्य में ए पतंग उड़ावशे। अने साथे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पण जोशे। आजूबाजूना जे विस्तार नी अंदर घणा बधा टूरिस्ट अट्रेक्शन्स छेल्ला अमुक महीना में उभा करवामां आव्या छे ए पण जोशे। एटले हूँ आ पतंगोत्सव की शुरुआत करीने बधा काइटिस्ट ने अने जे दर्शकों छे ए बधाने गुजरात सरकार वती स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ना वहीवट करताओ वती अभिनंदन अने आभार आपूं छूं।